1200-1500 की ईमेल जाएगी, पैसे तो ऐसे दे दूंगा मैं, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा बिजली का बिल भी आएगा? हाँ वो 1000-1500 रुपये का बिजली का बिल आएगा, रात रात को चलाएंगे जी, दिन में दे दो। अच्छा मैंने कहा अशोक जी ध्यान रखना एक बात, बोले क्या? बोले आप अगर ये एसी ले आओगे ना घर में तो बिजली के बिल के अलावा और खर्चे जुड़ जाएंगे। बोले और क्या जुड़ेंगे? नहीं मेंटेनेंस नहीं, बोले और क्या? बोले अब आप जयपुर से दिल्ली जाओगे तो कैसे जाओगे? एसी में होटल में डालो कहाँ जाओगे? धर्मशाला नहीं है, आपकी आदत पड़ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड इन लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। तो हम क्या होता है, एक चीज़ लेने जाते हैं, अब मैंने अगर 3000 की शर्ट पैंट पहन ली तो शर्ट 300 का तो नहीं होगा? नहीं सर, ये भी महंगा होगा। फिर ये महंगा होगा तो चश्मा ही महंगा होगा, ये अगर महंगा होगा तो मेरी वाइफ को लिवा भी जवाब, मैं भी और महंगा लूँगा। तो तेरी तो मैं बता दी, मैंने गाड़ी ली, वो भी एक गाड़ी डिमांड कर दी सर, मेरा भी एक ड्रीम था शादी में, बताया नहीं था ड्रीम था, कोई बात नहीं, ऐसे हो राइट। तो ये लोन है सर, टू मेनी एक्सपेंसिव, बैंकिंग इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग ऑन इट। वो लोन लेती है, हमें लगता है लोन ट्रैवलिंग लोन पे, गाड़ी लोन पे, फलाना लोन पे, डिमका लोन पे, जो मर्जी है लोन ले लो, ये मैं कुछ नहीं हो, आपको फोन करेंगे आपके लिए 5 लाख रुपए रेडी है जी, आप तो लोन ले लो, जरूरत है ना लोन ले लो। बैंकिंग फ्लरिशिंग ऑन दैट अर्ज ऑफ फास्ट टू स्पेंड ओनली इन इंडिया राइट। आज की तारीख में एवरेज एज ऑफ ए मैन हु परचेजेस हाउस इज फॉलन डाउन टू 30-31। मेरे फादर की एज में वो 54 था। हमें लगता है बस आज ही कर लेते हैं सब कुछ, एंड देयर इज अ पीयर प्रेशर, एंड देन देयर इज अ पीयर प्रेशर, इसने कर लिया मेरे पास नहीं, इन्होंने कर लिया मेरे पास आई नहीं, देन आई गेट इनटू दैट पीयर प्रेशर आल्सो कि मेरे पास भी ये कुछ चीज़ होनी चाहिए। उसके पास गाड़ी आ गई, मेरे पास भी होनी चाहिए, उसने भी इसमें मकान ले लिया, मेरा भी होना चाहिए। दैट्स व्हाट हैपेंस, सो वी बिल्ड ऑन इट, वी बिल्ड ऑन इट एंड दैट नॉट इट जस्ट डजंट स्टॉप एट ऑल, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सेकेंड बिग मिस्टेक दैट वी डू इज वी ओवर कॉन्सेंट्रेट ऑन रियल एस्टेट, वी ओवर कॉन्सेंट्रेट ऑन रियल एस्टेट। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जब तक हम ये ना बोल रहे अपने कोलीग से कि जी मेरे पास ये मकान तो मेरा है, मैंने एक मकान और ले रखा है और एक फार्म हाउस ले रखा है, तब तक मुझे लगता है सेटर वाली फीलिंग ही नहीं आती। वो सेटर वाली फीलिंग कब आएगी? वो कब आएगी? जब तक मैं ये ना बोलूँ कि मेरे पास मकान नहीं है, दो दुकान नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं जब तक वो ना बोलूँ तब तक मैं अपने आप को सेफ फील नहीं करूँ। आई फील हैप्पी व्हेन आई हैव दैट रियल एस्टेट। शैलेश के साथ प्रॉब्लम क्या थी? बेटी पढ़ाई आ गई, उसके बाद पैसे है, पर उसने कभी प्लानिंग करी नहीं, पैसे रियल एस्टेट में पढ़ाया वो निकाल नहीं सकता, खरे पैसे ही। मैं उसको कई बार कहा, मैंने कहा भाई साहब ये लला की जमीन है, लला की रहेगी, तुम तो आए और जा रहे हो, लला की जमीन है, लला कौन है? भगवान, वो ऊपर वाला है। तुम यहाँ पे एक आध पेपर में नाम लिखा के तुम सेठ बनते हो, तुम सेठ हो ही नहीं, सेठ तो वही है। तुम यहाँ पे आए हो अपनी एक जिंदगी निभाने के लिए, उस जिंदगी निभाने में तुम खुश हो गए जब तुम अपनी जिंदगी की इच्छाएं अपनी जरूरतें पूरी कर पाओगे। प्रॉब्लम द फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट यू आर 90% ऑफ योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉर्टेड आउट बाय रियल एस्टेट, कैन नॉट बी। बच्चे की पढ़ाई नहीं करा सकते रियल एस्टेट से, भैया 5 साल लगातार पैसा चाहिए। एंड अगेन आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनी फाइनेंशियल वर्ल्ड, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू ऑल। दूसरा, रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है रियल एस्टेट से? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? लेट्स से लेट बी ऑनेस्ट, यस हमको लगता है रेंटल इनकम आ जाएगी, यस ओके। नाउ लेट मी टेल यू रेंटल इनकम। साहब मेरा एक मकान है जयपुर में, मैं अभी फ्लैट में शिफ्ट हो गया, मेरा एक मकान है जो मेरे पिताजी ने बनाया था, पिताजी है, बहनी मम्मी है, तो मम्मी के नाम पर मकान हो गया। मकान की कीमत कोई 1.25 करोड़ बताते हैं लोग, ठीक है जी। अब तकलीफ ये है कि मैंने उसको रेंट पे दे, मैंने कहा चलो बेचो तो बिक नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं बेचना की जरूरत नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं। फिर मैंने कहा चलो जी रेंट पे देता हूँ उसको रेंट पे देता हूँ, हम लोग फ्लैट में शिफ्ट हो गए। तो मैं जब रेंट पे देने के लिए गया तो मेरे पास वो किराएदार आए, बोले जी 12,000-15,000-18,000। मैंने कहा यार मैं अगर 12-15-18 में देने लग जाऊँगा तो क्या होगा? मैं सोचो उसको कैलकुलेट किया कि मान लो 15,000 किराया आया, फर्स्ट 15,000 किराया आया, साल के कितने मिले? 1,80,000।
अब 180,000 मान लो साहब ये साहब आए, अब ये साहब ने मुझे 180,000 दे दिए, ये अगले दिन छोड़ के चल जाते हैं साल भर लीज होने के बाद। ये साहब आते हैं कि बोलते जी पेंट कराओ, पहली बात तो अगले दिन आएंगे नहीं, पहली बात तो अगले दिन फिर मेरे को नोरे खाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन है कहाँ है, फिर रेंट पे ऐड तो बुलाना, रिपका तो 4 बजे 7 बजे मान ली खाली रहते पता ही नहीं। ठीक है, फिर ये साहब आए तो ये आए बोले जी तो ठीक कराओ, ये इसका नल खराब हो रखा है, ऊपर की छत लीकेज हो रही है, इसमें पेंट कराओ। ऐसे लोग उसे देखो मकान तो फर्निश दे रहे हैं, सेमी फर्निश दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, एंड आई एम गेटिंग टू बिग प्रॉब्लम। अच्छा, तो आपसे 1,80,000 आए, यहाँ 1,00,000 रुपये खर्च कर दिए, होता है नहीं होता। अब वो 1 करोड़ के मकान पे कितने घर में आए, 80,000 के साल के, 80,000 को साल के डिवाइड करो 12 से, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये महीने में मेरा खर्चा चलेगा। मैं कहने में 1 करोड़ का मालिक हूँ, 8,000 रुपये का चलेगा। आज पीपल आई नो, आई मीट सो मेनी रिटायर्ड पीपल हु आर इन डीप 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 ट्रबल, उनको पता ही नहीं करना क्या, क्योंकि जिंदगी का सेठ बनने वाली फिल्म जरूरत है, ये है वो है ऐसा। बच्चे की पढ़ाई, माई सिस्टर इज गॉन टू यूएस फॉर स्टडीज, कर लो न्यूयॉर्क में गई पढ़ाई करने, उसकी पढ़ाई में जो खर्चा हुआ आई कैन नेवर इमेजिन कि मैं रियल एस्टेट से कैसे कर सकता हूँ, वो तो 2 नंबर के साथ में आता। तो मुझे अपनी डॉटर को, मेरी सिस्टर को, डॉटर को, किसी सन को अगर एजुकेशन के बाहर भेजना है तो क्या 2 नंबर से भेजूंगा, मैंने स्थल पढ़ाई करानी तो 2 नंबर से पढ़ाई होगी, आपको लगता है? ट्रैवलिंग में जाना, यू वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, राइट, कैन यू ट्रैवल बाय सेलिंग? अजी मेरे को तो ना मॉरिशस जाना है घूमने, या ऐसे यूरोप जाना है घूमने, कितने खर्च आएंगे? बोले 3,00,000 रुपये। अच्छा तो ठीक है, ऐसे वो टॉयलेट भेज दो घर, भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे, इट्स टू डिफिकल्ट टू हैंडल। बट होता ये है, वी डोंट केयर अबाउट आवर प्लान, वी केयर अबाउट द गुडविल दैट वी हैव। हमें जब तक सेटअप वाली फीलिंग तब, और ये रियलिटी है, आप माने ना माने, दिस इज मोस्ट ऑफ द ट्रू ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द इंग्लिश, वी फील ब्लेस्ड। आपको मालूम है, आई रोट एन आर्टिकल वे बैक इन 2013 दैट रियल एस्टेट हैज टू कोलैप्स, 8 अगस्त 2013 की बातें पेपर में छपा था वो आर्टिकल, एंड आई सेड रियल एस्टेट हैज टू कोलैप्स। दैट टाइम व्हेन आई रोट एन आर्टिकल आई गॉट वेरियस फीडबैक दैट आई सीम टू पागल हो गए, बोले क्यों, बोले रियल एस्टेट तो बढ़ता ही जाएगा, इंडिया में पॉपुलेशन तो बढ़ती ही रह जाएगी। एक कोई स्टैटिस्टिशियन मिले मुझे, अगेन मैंने कहा ना कि पढ़े लोगों को समझाना वो भारी काम, एक स्टैटिस्टिशियन मिले वो भी प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी में, वो बोले आशी जून 2025 तक तो रियल एस्टेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने कहा ये साहब कहाँ से आ, जून 2025 तक बढ़ता ही रहेगा? मैंने कहा इतनी प्रिसाइसली, मैंने कहा भगवान ने तो आज तक हमको शक्ति नहीं दी, कल देख लें कि इनको तो आने जून 2025 दिख गया। मैंने कहा सर कैसे? बोले एज पर द स्टैटिस्टिक्स of India, India population will rise till June 2025 and after that will start collapsing. So that means real estate has to rise because India की population तो बढ़ती जाएगी। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा सर जमीन कहाँ limited है बताओ सर? बोले देखो limited ही तो है, भगवान तो जमीन बनाता नहीं। मैंने कहा राइट, मैंने कहा लेकिन भगवान तो लेकिन साइंटिस्ट तो बनाने सारा बढ़ गया था। मैंने कहा देखो पहले 2 मंजिल की बनती थी, यार 200 मंजिल की बन रही है, तो जमीन तो लिमिटेड है लेकिन आपके पास मालिक है तो कहाँ है? Why is that all of a sudden last 2-3 years we find that real estate started collapsing? Because economically unviable हो गई property. जो आज आपको एक statistic देता हूँ, you may not be interested but it is where you get to know whether it's a good to buy or not to buy. देखिए जब आप 30 साल काम करते हैं, अमूमन इंसान 30 साल काम करता है, 30 years, 25 से लेके 35 years, right? उस 30-35 साल के दौरान में उसे क्या क्या फर्ज निभाने हैं इकोनॉमिकली, उसे अपना घर खर्चा चलाना है, उसको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है, कुछ एंटरटेनमेंट ट्रैवलिंग वगैरह करनी है, उसको दवाई दारू के खर्चे देने हैं, सोशल ऑब्लिगेशन निभाने हैं, उसके बाद उसको मकान खरीदना है, मकान की जरूरत है मकान खरीदना है, उसके बाद उसी पैसों से उसको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करनी है कि तब मुझे पैसा नहीं मिलेगा कौन मुझे देगा, उसी 30-35 साल में उसको अगले 20-25 साल की प्लानिंग भी करनी है, यस और नो? तो उसे इतने सारे चीजें उस 30-35 साल के दौरान में करनी है। तो मैंने उसको सिंपली डिवाइड करो कि फर्स्ट करो 2 साल की कीमत, 2 साल की कमाई दवाई दारू में जाएगी, 3 साल की दवाई बच्चों की पढ़ाई में जाएगी, 3 साल की कमाई ऐसे जाएगी, ऐसे करके बांटूंगा। एज पर द इंडियन हाउसिंग एंड इंडियन हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स, द एवरेज प्राइस ऑफ अ हाउस इन इंडिया इज 21 times एनुअल इनकम ऑफ इंडियंस। हाउ मच? 21 times
मतलब अगर मैं 30 साल काम करता हूं तो 21 साल का पैसा तो मैं केवल केवल मकान में डाल दूंगा, तो 9 साल में क्या सब काम काम करूंगा? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप देखो रेंटल इतने से हो गए और प्राइस इतनी ज्यादा है। क्यों रेंटल कम हो गए? क्योंकि जो अफोर्डेबिलिटी है वो तो इतनी सी है, तो आदमी मकान बनके सेठ तो बन जाता है और बोलता है मैं रेंट पे दूंगा, तो रेंट आता है इतना सा। आज एफडी पे ब्याज कितना मिलता है? 7%, मकान पे 1%। क्यों हो गया? ये रीजन, राइट? वी थिंक रियल एस्टेट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। इट विल नॉट सॉल्व 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। इट विल नॉट। एंड दैट्स व्हाट अगेन इट इज दीस स्टोरीज दैट आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंड टू चेन्नई। देन वी लैंड अप बाइंग इनएडिक्वेट इंश्योरेंस और अ रॉन्ग इंश्योरेंस। This is an elaborate topic on insurance. I am only touching upon it. Insurance is a plan B of life. Insurance is a plan B of life. It is never a plan A. What if something goes wrong to me? That is where insurance comes. Insurance is that umbrella that holds everything together. Insurance is like इसमें जमीन के इस मकान के नीचे एक वो बनी हुई है ना, क्या नींव? वो नींव है, वो दिखती है क्या? वो दिखती है नहीं, पर उसके बिना क्या बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? बोले नहीं। तो वो नींव है जिसके बिना पर ही पूरी बिल्डिंग खड़ी है। दैट इज व्हाट इंश्योरेंस इज। बट अनफॉर्चुनेटली इंडियंस आर आइदर बाइंग रॉन्ग सेट ऑफ इंश्योरेंस। आई एम नॉट फर्दर यू नो गेटिंग इनटू इट। आइदर पीपल इंडियंस आर बाइंग रॉन्ग सेट ऑफ इंश्योरेंस और दे आर बाइंग इनएडिक्वेट इंश्योरेंस। एज पर द जीडीपी, मतलब इंडिया आपके जीडीपी का, इंडिया वन ऑफ द लोएस्ट पेनिट्रेटेड इन इंश्योरेंस अक्रॉस द ग्लोब। हम इंश्योरेंस लेते नहीं, ठीक है ना? मेनी ऑफ यू आई टेल यू, डू यू हैव अ मेडिकल स्पॉन्सर्ड बाय योर कंपनी फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी? यस, राइट। प्लीज हैव योर सेपरेट मेडिकल इंश्योरेंस। वी थिंक हमें तो वहाँ कवर हो गया, नहीं होता। सेल्फ इंश्योरेंस लेके चलो, जस्ट यू नो फूड फॉर थॉट। आई एम नॉट गेटिंग, राइट? बट डोंट बाय आफ्टर रिटायरमेंट। नो नो यार, यू शुड बाय बिफोर राइट नाउ, बिकॉज अगर उस समय बीमार हो गए तो इंश्योरेंस को देगा भी नहीं। Right? This is about wrong insurance. Then coming from insurance is about myopic view of tax planning. Insurance ज़्यादा से ज़्यादा January, February, March में क्यों बिकती है? क्योंकि वो accountants आप जो office में बैठे हैं वो बोलते हैं आप तो वो ATC की rebate को आपके document दो, ATC के document दो, ATC के document दो, तो आप क्या करते हो? अरे यार वो investment करना है। अच्छा वो insurance वाला क्या आता है, पकड़ के आता है, आप लेके insurance कर दिया। Insurance क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? मकान एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? ये नहीं कि मुझे जरूरत है, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टैक्स प्लानिंग करनी है। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने 2 रुपए टैक्स बचा दिया, सो वी हैव पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। बट हम उससे अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं वो हमें समझ नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं उससे अपनी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा। व्हाट आई कीप डूइंग इज आई कीप बाइंग प्रोडक्ट्स, प्रोटेक्ट दैट सेव टैक्स। सो नाउ दैट tax planning should be linked with your financial life, should not be linked with a product, it should be linked with your financial life. Now biggest thing is we ignore something called inflation. Inflation kya hai? Inflation kya hai? Decrement in the purchasing power of money. Isko bahut simple se example se karta hu aur explain karte hain. Ma'am, which is more, 100 or 1000? Obviously. Another question. I had 100 rupees in 1990 and 1000 rupees in 2017. Which is more? Which is more? 100 or 1000? 100. All of a sudden 100 became more. Right? मैंने कुछ change नहीं किया। मैंने ये कहा 100 ज्यादा है कि 1000 ज्यादा है? मैंने कहा ऑब्वियसली 1000 ज्यादा है। और ऑल ऑफ अ सडन आवर ऑब्वियस चेंज उल्टा, ही सेड नहीं 100 इज मोर। व्हाई? बिकॉज नाउ शी सेड दैट विद दैट 100 आई कुड बाय मोर, विद दिस 1000 आई कैन बाय लेस। दैट्स इंफ्लेशन। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। क्यों? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स इज 18 साल के बच्चे अब अभी के? हां जी, सम मैन 14 इयर्स 15 इयर्स एनी वन? 15-16 साल का जिसका बच्चा है, 10 साल का जिसका बच्चा है, 10 साल। आपने कभी अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखा? बच्चे को बढ़ते हुए देखा? अरे बेटे तू तो बड़ा हो गया। डू यू से दैट? डू यू से दैट?
बड़ा कैसे हो गया, रात को तो छोटा था बड़ा हो गया. Do you say that? नहीं, आपके तो दो साल पहले वो कुपेरे मामा जी आए थे, कोई आए थे. And all about he says, अरे बेटे कितना बड़ा हो गया. Right? वो दो साल बाद देखते हैं ना, वो बाद देखते हैं. राइट, इन्फ्लेशन ऐसे ही बच्चे की बड़ी बढ़ती हाइट की तरह हमें रोजाना दिखती नहीं, पर वो बढ़ रही, वो खा रही है, हमें दिखता नहीं है. इसलिए वी डोंट केयर अबाउट, क्योंकि जो सामने दिख रहा होता है उसके लिए हम उसके लिए मेहनत करते हैं, दिखते हैं, प्रॉब्लम आता है, वो हमें दिखती नहीं है इन्फ्लेशन. इसलिए वी बी वो केयरलेस इंडस्ट्री, वी जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इन्फ्लेशन. क्या होता है इन्फ्लेशन, कुछ नहीं. हाँ हाँ, टेक्निकली आई नो व्हाट इज इन्फ्लेशन. Do we actually know? So I'll tell you with my experience of 50-60 years, 90% of the investments that Indians make, they land up creating lesser than inflation return. अब कैसे? मैंने 100 के 104, 105 हो गए, I feel happy. 100 के 105 हो गए, I feel happy. But अगर 100 रुपए की चीज आज 106 में मिल रही है, तो क्या हुआ? तो loss है, पर loss नहीं दिखता. मैं कहता हूँ मेरे तो 100 के 105 हो गए सर. Where is the loss? Where is the loss? मेरे 100 के 105 हो गए, नुकसान है क्या? पर 100 की चीज 106 हो गई, वो आज 100 में खरीद पा रहा था, कल 105 में नहीं खरीद पा रहा, मैं तो गरीब हो गया. तो इंडियंस इन्वेस्ट टू बिकम पुअर, नॉट टू बिकम रिच, बिकॉज दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इन्फ्लेशन. इंडियंस इन्वेस्ट टू बिकम पुअर, नॉट टू बिकम रिचर, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इन्फ्लेशन इज. और ये सबसे बड़ा मॉन्स्टर है जो हमें खा जाता है. अभी हम उन लोगों को फोन कर रहे हैं, आशीष जी तो एफडी की रेट इंटरेस्ट 6.5% हो गई, एफडी में क्यों लगाएं? एफडी के अलावा कुछ और ऑप्शन बताओ. बहुत वैलिड क्वेश्चन है एफडी की. उनको समझ भी नहीं आ रहा कि एफडी पहले भी बेकार थी या पहले भी अच्छी थी. पहले भी अच्छी थी और आज भी बेकार है. एफडी इन्फ्लेशन से लिंक्ड है, जितना इन्फ्लेशन है उतनी एफडी की रिटर्न है. तो पहले इन्फ्लेशन 8% थी, आज इन्फ्लेशन 6% है, तो आज 6% ब्याज एफडी मिल रहा है, पहले 8% मिलता था. इन बोथ द पर्सपेक्टिव आई वाज नॉट मेकिंग मनी, बट बिकॉज आई ओनली अंडरस्टैंड 100 का 108 और 100 का 106, आई से एफडी पहले अच्छी थी आज बेकार है. नो सेंस एट ऑल, बिकॉज इन्फ्लेशन नहीं मालूम क्या होता है. राइट, सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एजुकेशन इन्फ्लेशन. सॉरी, क्या LIC is the biggest scam in India. Life Insurance Corporation of India is the biggest scam in India. I don't want to really get into it because of topic itna lamba chal jayega. I'll hold on by topic for something. Since last year, I'm thinking to withdraw my funds from LIC because of this. Just I ordered 5 minutes back. Insurance rates are asking. It is the biggest scam in India. Please understand. आपसे government maximum कितना back लेती है? 30%. अब गवर्नमेंट 40% कैसे ले, तो वो तो हौला मच जाएगा. तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स प्लानिंग का ऑप्शन देती है, फिर LIC में इन्वेस्टमेंट कराती है और वो रिटर्न कम कर देती है, बोलती है 20 साल बाद किसे देगा. आई विल नॉट गेट इनटू फर्दर इनटू व्हाट LIC इज, आई हैव अ लिमिटेड टाइम, आई नीड टू कवर सो मेनी थिंग्स, बट प्लीज. Now, we are fantastic savers.
वी आर नॉट गुड इन्वेस्टर्स. हमने साड़ी के नीचे पैसे बचा रखे है ना, और वो और कुछ अगर हम मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग चल जाए तो वो अपने आटे के डिब्बे में गेहूं में डाल रखे हैं. हमने ऐसी सब कहानियां सुनी है. हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके नाम का एक गमली का गुल्लक बना लेते हैं जिसमें डाल लेते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते है ना, उसको लोकील से ढोक देते हैं हम लोग, इन्हें निकालेंगे नहीं. तो मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं हम लोग, आ तुम्हारा बच्चा के लिए भाई मैं तो कौन निकालूं. वी डोंट एक्चुअली विड्रॉ द मनी एट ऑल, वी इमोशनली फील दैट वे, आई एम सेविंग फॉर माय डॉग, आई एम सेविंग फॉर माय किड. स्टूपिड. यू आर अ सेव. तो बच्चों को पढ़ते बच्चों को सिखाते हैं देखो पैसे बचाना सीखो बेटे, पैसे बचाया करो, पैसे बचाया करो. हैव यू एवर टॉक ऑफ पैसे बच्चे इन्वेस्ट करा करो. कैन यू टीच मी तमिल, कैन यू टीच मी तमिल, because you don't know, you can't teach me, because you don't know investment, you don't teach people to target investments, we don't even know ourselves. Sir, हमें पता है बचपन में सिखाया कभी, आपकी एज काफी हो गई है. Do you think we talk about investments in family life? We don't. We just hate to talk about it. हम बच्चों को बस से गुल्लक रखेंगे उसमें डाल देंगे बस. So we are fantastic savers, but then we don't even know वो inflation खा जाएगा मर जाएगा. We are not saving. We got to invest. Sir, इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या होती है मैम, रिस्क क्या होता है मतलब अगर आपके 100 रुपए 110 हो जाए तो रिस्क है, वो रिस्क है. But we don't understand inflation, we don't understand risk at all. And look at, please understand that in financial management, we learn about risk management, we never learn about return management. We have to learn about risk management, we never have to learn about return management. Now let me explain you what. Okay. Imagine करिए आप कहाँ से हैं? Yes, you. आप बनस्थिन से. Someone who's come from outside बनस्थिन. आप कहाँ से हैं सर? जयपुर. जयपुर के पास में. और बताइए. हाँ जी. कहाँ से? दिल्ली. चलिए. तो साहब आप दिल्ली से आए और यहाँ से आपको गाड़ी से जाना है. इमेजिन करिए फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर लेकर आया आपको दिल्ली गाड़ी से जाना है. आपने सुना है कभी कि गाड़ी, अच्छा तो गाड़ी कौन से गियर पे चलाएगी? अमूमन कौन से गियर पे? फोर्थ फिफ्थ. अच्छा फर्स्ट गियर पे गाड़ी नहीं चलाएंगे. चलाएंगे नहीं चलाएंगे? अमूमन नो वे नहीं चलाएंगे, राइट. अच्छा आपने सुना है कि गाड़ी तेज गति से चल रही थी और उसका भीषण एक्सीडेंट होने से यात्री की मौत हो गई. सुना है? होता है. अच्छा ये सुना है कि गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी और भीषण एक्सीडेंट से मौत हो गई? ये सुना है?
खड़ी गाड़ी थी उसके बाद सर लेशन लेशन गुड सर व्हाई आर वी बीइंग इंटेलिजेंट अभी अभी का अर्थ में आ सकता है आ सकता है तो भागे अभी आए ना सर आ तो भाई फिर भागे नहीं दैट मींस हम जिंदगी में कुछ प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं तो अब मैं पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी फैक्टर में डोंट बिकम इंटेलिजेंट स्पीशीज हियर बिकम एज स्मॉल एज किड हु डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग पहली गाड़ी पे पहले गियर में क्या भीषण एक्सीडेंट से मौत हो सकती है नहीं तो मैं फिफ्थ और फोर्थ गियर पे गाड़ी क्यों चला रहा हूँ दैट्स अ क्वेश्चन जब मैंने ये सुना है कि फोर्थ फिफ्थ गाड़ी में तेज चलाने से भीषण एक्सीडेंट से मौत हो सकती है तो साहब जिंदगी से बढ़कर कुछ है क्या गाड़ी को धीरे क्यों नहीं चला रहा मैं फर्स्ट सेकंड गियर पे बिकॉज व्हेन आई से दिस यू आर सेइंग आशीष यू आर टॉकिंग नॉनसेंस आशीष यू आर टॉकिंग नॉनसेंस इट जस्ट इज नॉट प्रैक्टिकल व्हाट यू आर सेइंग इज आशीष इट इज जस्ट नॉट प्रैक्टिकल राइट सो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे इज दैट मीन देयर इज नथिंग कॉल्ड एस्केप फ्रॉम रिस्क दुनिया में रिस्क से बचा नहीं जा सकता देयर इज नो प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड व्हिच इज एवर मेड व्हिच इज इट्स अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि रिस्क कब लेनी है और रिस्क कब कम लेनी है अब अगर मान लीजिए मुझे गाड़ी दीवार तक रोकनी है वहां तक उस दीवार तक रोकनी है तो गाड़ी को फिफ्थ पे चलाऊं कि फर्स्ट पे चलाऊं फिफ्थ पे चलाऊंगा तो दीवार से भिड़ जाएगी तो मुझे गाड़ी को अभी धीरे चलाना है और मुझे गाड़ी को दिल्ली जाते हुए तेज चलाना है दिस इज अबाउट ड्राइविंग द कार इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है यू आर एट अ पॉइंट ए यू हैव टू गो पॉइंट बी दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी आपको यहाँ से वहां जाना है अगर यहाँ से वहां गाड़ी का डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो लंबा है तो आप गाड़ी को तेज चलाओगे छोटा है तो आप गाड़ी को धीरे चलाओगे दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ये जैसे गाड़ी चला रहे वैसे ही होता है राइट पर हम जब अब होता ये है हम क्योंकि डिस्टेंस को समझते हैं नहीं हम इन्वेस्टमेंट को हर चीज धीरे चलाने की कोशिश करते हम इन्वेस्टमेंट को हर चीज धीरे चलाते हैं ठीक है ना ₹100 क्योंकि 90 नहीं होने चाहिए दैट इज कॉल्ड रिस्क ₹100 90 नहीं होने चाहिए दैट इज कॉल्ड रिस्क तो इसीलिए हम लोग सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हैं जहां वो कभी भी 90 ना हो 100 का 110 ही मिले चाहे वो कितने ही धीरे मिले चाहे वो कितने ही धीरे मिले ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह हम फाइनेंस मैनेज करते हैं इसीलिए वी आर पुअर इन्वेस्टर्स राइट Now let me explain you. I have a sister, she is 24 years old. And I have a daughter, she is 9 years old. दोनों की शादी करनी 25 साल की उम्र में प्लानिंग कैसे करूँ अब एक जैसी अलग अलग और हम क्या करते हैं जी इसके लिए भी एफडी और उसके लिए भी एफडी आरडी चला दीजिए मैं तो अपनी बच्ची के लिए पैसे बचा रही हूँ आरडी चला हर महीने में 4000 रुपये डालती हूँ बचा रही हूँ बस अब आपको पता नहीं है कि जो आरडी एफडी करा रहे हो वो इतनी धीरे चलेगी जाना दिल्ली है इन्फ्लेशन खा जाएगी पर आप अपने मन को खुशी देकर बैठो अब अगर मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट बताऊं जो कि फ्लक्चुएट होता हो और 100 के 90 हो सकते हैं आशीष जी काम करवा दिया आपने तो चल एक्चुअल दे दिया हम समझ में नहीं सो व्हाट द देयर टू काइंड्स ऑफ रिस्क वन इज कॉल्ड कैपिटल रिस्क एंड अनदर इज कॉल्ड परचेजिंग पावर रिस्क कैपिटल रिस्क होती है 100 का 90 नहीं होना चाहिए वो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप गाड़ी को धीरे ले जाना हो या गाड़ी को पास ले जाना हो तो जब मेरे को मेरी सिस्टर की शादी करनी है तो मैं कैपिटल रिस्क पे ध्यान दूंगा कि मेरा कैपिटल टूटे नहीं पर जब मुझे अपनी डॉटर की शादी की बात करनी है तो मुझे ध्यान रखना है परचेजिंग पावर रिस्क कि इन्फ्लेशन से तोड़ ना दे इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो मैं गाड़ी को तेज चलाऊंगा ये इस मैनेजमेंट को इन्वेस्टमेंट मैनेज कहते हैं इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं इट इज नेवर अबाउट रिटर्न मैनेजमेंट इट्स कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट And people who are good in managing risk, अब आप सब गाड़ी चला रहे हो आपने कोई दूसरा ठोकर मार दे तो आप क्या करोगे आप गाड़ी अच्छे तरह चलाओ रिस्क को ढंग से मैनेज करो कैन यू से आई विल ट्रेवल विदाउट रिस्क साहब जिंदगी में सबसे ज्यादा बच्चा पा रहा है तो बच्चे को अगर सड़क पे जाएगा खेलेगा कूदेगा तो रिस्क है तो घर में बैठा के रहो उसको साइकिल मत दो बड़ा हो जाए तो कोई मोटरसाइकिल मत देना कुछ मत करो बैठा क्योंकि रिस्क है जैसे ही बाहर जाएगा रिस्क है साथ तो क्या करोगे उसको डब्बू बना दो वो और बड़ा रिस्क है तो वो दुनिया से लड़ नहीं पाएगा हम हमारे पैसों को डब्बू बना के बैठे रहते हैं जैसे चिपका के बैठे
because we don't understand, we don't relate. So we need to understand what risk is. A risk hota hai purchasing power risk, which is inflation risk hota hai. And I will cover this topic on purchasing power reserve in my second 20th, then I'll come and I'll talk of various other products of financial market. So tab main charcha karunga ki isko mitigate kaise karte hain. And you know, ye mistakes hoti kyun hai sari? ये सारी मिस्टेक्स होती क्यों हैं? क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं होता, हमारा कोई प्लान नहीं होता, हम तो करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, जब मिलने की बारी आती तो मिल नहीं पाते, बस कर लिए। शैलेश क्या कर रहा था? वो कर रहा था, ही नेवर प्लान्ड हिज लाइफ। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग के बनाने से पहले एक प्लानिंग होगी, एक ब्लूप्रिंट बनेगा। आप एक सेशन चालू कर रहे हो, सेशन चालू करने से पहले बोलोगे ये 11 महीने 10 महीने बच्चों को पढ़ाना है, तो उसको ब्रेकअप करोगे, अब पढ़ाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और उसको फिर टाइमली फॉलो करोगे। पर हम फाइनेंस लाइफ में कौन सा टाइम टेबल बनाते हैं हमारा, कौन सा ब्लूप्रिंट बनाते हैं हमारा? कुछ नहीं बनाते, वी डोंट हैव एनी ब्लूप्रिंट। हम तो बस चल रहे हैं, क्योंकि बाजू वाला भी चल ही रहा है, हमें क्या जरूरत है, बस हम चल रहे हैं। राइट, आई हैव अ प्लान दैट आई डोंट हैव एनी प्लान। That's the plan that we all have. हमारे पास planning होती है। And when we do recklessly, do we expect good results? We cannot, right? We just can't expect. Who are these people? They are few successful people, right? Okay, they are few successful people. Now please understand that successful people are not those who are intelligent people. Successful people are not those who are intelligent people. Successful people are those who make fewer mistakes. तो क्यों मैंने पूरे फाइनेंस के टॉपिक पे गलतियों की बात करी? Because हम वो गलती को ना करें। अगर गलती नहीं करेंगे, we will be a good financial manager of our own money. Problem is, we don't have to be intelligent. We just have to make sure we are not making mistakes. If we concentrate on that, believe me, you will manage money like anything. In all my 15 years of my career, I have only managed one thing for my clients. They should not make mistakes. I never try to be intelligent with them. I just try to say they should not make mistakes. And then automatically success comes to them. But when we hear this word financial planning, samay nahi milta ji. Aap jante bhi ho, सुबह से शाम तक बच्चों की चक्कर चक्कर में पूरा दिन ऐसा निकल जाता है मेरा। घर आते हैं, घर में बच्चे होते हैं, फिर समय नहीं मिल पाता है। तो दैट्स वन थिंग दैट पीपल से मी, समय नहीं है। सेकंड, बहुत भारी चीज है, समझ में नहीं आता, कॉम्प्लेक्स है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पैसे तो है नहीं हमारे पास, ये तो काम पैसों वाले का काम। आई डोंट हैव मनी। This all financial planning and everything is all about people who have loads of money. हम तो सर मिडिल क्लास आदमी, हमारे पास पैसे ही नहीं, पैसे बचते कहाँ हैं? लोन और ई एम आई देते चल जाते हैं घर घर से। आपको पता क्या है उसी? आप हमारे घर आओ तो पता पड़े आपको कि कितनी तकलीफें आ रही हैं। तो दिस इज जनरल कॉमन डायलॉग दैट आई कीप लिसनिंग फ्रॉम पीपल अराउंड, पैसे ही नहीं हमारे पास। सो द क्वेश्चन इज, सो व्हेन यू हैव अ प्लान, यू मेक लेसर मिस्टेक्स। It's not that any plan will make you a successful plan manager. No, not at all. गाड़ी अच्छी चलाओगे तो भी आप भिड़ सकते हो, अच्छा ब्लूप्रिंट बना लिया, सब कुछ कर लिया तो भी बिल्डिंग का फॉल्टी बन सकती है, सब कुछ हो सकता है। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक बिकम लेस एंड लेस। सो व्हेन यू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, यू टेंड टू मेक लेस मिस्टेक्स। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज अबाउट कलेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स। बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, फलाना ढिमका, कौन क्या करना है। एंड It is a basic, simple, elementary economics. Economics की definition क्या होती है मालूम है? Basic definition economics. Economics is all about unlimited wants. If I have all those unlimited wants, but in front of them I have my limited resources. Economics is all about managing these two things. मेरी बहुत हसरते हैं, अब मेरे पास पैसे इतने से हैं। This How do I get these things to me? क्योंकि अरुंधति राय, अरुंधति गुरु
उनकी तरह कोई बैंक अकाउंट खुला नहीं मेरे कि जहाँ अनलिमिटेड पैसा आता रहेगा. सो आई हैव माई लिमिटेड रिसोर्सेज एंड आई हैव माई अनलिमिटेड वॉन्ट्स. हाउ डू आई एलोकेट माई रिसोर्सेज टू माई अनलिमिटेड वॉन्ट्स इज वॉट आई कॉल इट एज फाइनेंशियल प्लानिंग. दैट्स इट, सिंपल. And it includes risk management, number one. It includes investment management. It includes taxation planning. It includes goal planning. And it includes estate planning. Estate planning, which is termed as will management or something. Is there any planning? So there are five components of financial planning that we do. And it helps you to start early. It helps you to start and save early. बिकॉज जब प्लानिंग होगी कि मुझे अपने बच्चे के लिए बचाना है, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना है, मुझे अपने ड्रीम हाउस के लिए बचाना है, तो मैं आज कुछ खर्चे कम करूँगा ऑटोमेटिकली. पर अगर वो प्लान ही नहीं होगा तो खर्चे हो जाएंगे. सो इट हेल्प यू टू स्टार्ट अर्ली. इट हेल्प अवॉइडिंग अनवांटेड एक्सपेंसेस. कई बार होता है बैंक में बैलेंस पड़ा है, फ्रेंड के साथ बाजार गए थे उसको सलवार सूट दिलाने या उसको सूट दिलाने, ले उतर आते हैं क्योंकि वो स्वाइप करना बहुत आसान होता है, दिखते भी नहीं पैसे कब जा रहे हैं. नहीं तो ये होता है अनवांटेड एक्सपेंसेस. देन इट गिव्स यू क्लियर सेट ऑफ डायरेक्शन, जाना क्या है, वरना भी कंफ्यूज है कि करना क्या है, क्या होता है. हम बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं जी पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं. तो ऑटो में बैठ गए अभी कहाँ जाना है मुझे पता नहीं, कहीं तो ले चलो. बस ये हुई होती है हमारे को. इन द लास्ट इज इट हेल्प्स यू टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स. मैं कहाँ पहुँचा, अब कितने डिस्टेंस है और कितना चलना है, ये सब कुछ चीज़ें होगी. But unfortunately, financial planning for more than 90% of the people is nothing but product planning. तो अगर हमने जीवन आनंद ले लिया तो लगा planning होगी. हमने एक FD करा ली तो planning होगी. क्यों mutual fund ले लिया तो planning होगी. Right? हम उस पूरे plan का मतलब होता है कहीं अपने पैसे को ठिकाने लगा दें और हमको लगता है हाँ जी planning होगी. This is what we understand. Right? Product. तो we buy insurance, we buy pension plan, we buy loan, we buy सम डिपॉजिट समथिंग आरडी एफडी और हमको लगा हमारी प्लानिंग कर ली होगी. अच्छा और प्लानिंग अच्छे करने का तरीका, अपने नाम पे एफडी नहीं करी, बच्चे के नाम पे कर ली तो चलो प्लानिंग होगी. बच्चे के नाम पे एफडी करा दी, बच्चे के नाम पे आरडी करा दी, प्लान ले लिया, ये कर ले वो कर लिया, प्लानिंग होगी. दैट्स इट. नाउ व्हेन यू डू प्रोडक्ट प्लानिंग दिस इज व्हाट इट लुक लाइक. आपको समझ में नहीं आता, आपको प्रोडक्ट समझ में आते हैं? अच्छा किसी कोई प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट करा है आप लोगों ने, कोई इन्वेस्टमेंट करा है? सिप में कर रखा है. एक सेकंड मैं ओके दैट्स अ म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट. ओके फिर डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वेयर हैव यू इन्वेस्टेड? सॉरी वेयर हैव यू इन्वेस्टेड सिप? रिलायंस एनर्जी. प्रोडक्ट का नाम क्या है? रिलायंस एनर्जी. रिलायंस एनर्जी ऐसा प्रोडक्ट नहीं. हां जी एसबीआई म्यूचुअल फंड. एसबीआई म्यूचुअल फंड कोई बात नहीं. एसबीआई म्यूचुअल फंड Global Magnum Fund. Okay. Now the question is, she says SBI may not look at her. Look at him. And they are you. They are not separate. They are you. ये कह रहा है Global Magnum Fund. It's like मैं कह रहा हूँ कि मैं Combi Flame नहीं मैं तो Flexon था. पता दोनों ही नहीं क्या हो रहा है. पता दोनों ही नहीं हो क्या रहा है कि वो Global Magnum Fund क्या है या SBI. आपने Reliance Energy बोला, Reliance Energy कोई सिप ही नहीं होती सर. रिलायंस ग्रोथ फंड होगा, विजन फंड होगा, इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड होगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज व्हेन आई टॉक ऑफ अ प्रोडक्ट विद यू यू लाइक हिंजी है. समझ में आया? डू यू मेक अ पिक्चर आउट ऑफ इट? डू यू मेक अ पिक्चर आउट ऑफ इट व्हेन यू से एसबीआई मैग्नम फंड? कोई पिक्चर आई? क्या आई? वो बैंक वो स्टेटमेंट आती है, वो स्टेटमेंट जो उनको दिखती है, वो उनको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती. हाँ जी आप बताइए. आप जितना एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटेलिजेंट बनोगे ना आप उतना कम कमाओगे. तो पहली बात तो वो भगवान के बच्चे बन गए. वो पैदा होता तो कैसा होता है? वो पैदा होता तो कैसा होता है? एक एकदम वो बोला प्रकृति. अगर आप इंटेलिजेंट टॉक करोगे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर यू विल टॉक इंटेलिजेंट, बिलीव मी यू विल फेल. Finance is not about grace.
it is about stomach, it's about understanding, it's about behavior. I have an entire session to take on behavior management. It's a 2-hour session that I'll be taking on behavior management. Our behavior management dimag se nahi pe se ko behavior haan ji sorry just one thing you know, I don't know the paucity of time but you know since we are talking about step investment and wo logon ne yahan pe bola to kindly enlighten us aur ek solution zarur dijiye ki fir ye sahi hai galat hai nahi hai kya karna chahiye kya nahi karna chahiye iske upar just you know can you spare me for another 5 days because and the 6th day I'm again coming up to bother you main agle 6 din mein dobara aunga jahan I have an entire session to take on mutual funds kyunki baat shri dekhi aisa hai chaliye okay now I cannot refuse this lady now here the question is dekhiye mujhse ye pucha jata hai amuman mujhse ye pucha jata hai Ashish ji aap to finance ke bahut gyata lag rahe ho aap ye bataiye koi product jisse mere ko best return aa jaye That's what yes, something yes. like that. Yes. So suggest me a product which gives you the best return. Yes or no? Yes. Would you? Do you want to know it? Do you all want to know it? But I will charge a fee now. No problem. No, no. Let's see. What fee? What fee? Chalo. Okay. Now that product is you. That product is you. I am again. Crossing my limit because this is supposed I'm supposed to take the next session. आपके पास एक स्टूडेंट आता है आप कौन से सब्जेक्ट की इंग्लिश अनफॉर्चुनेट वेरी बैड इंग्लिश एट स्टैंडर्ड तो बिस्कुट बोलता था बिस्किट भी नहीं आता आई एम वेरी बैड इंग्लिश सम हाउ व्हेन ओनली आफ्टर आई वेंट टू चेन्नई आई एक्चुअली लर्न इंग्लिश कल इंग्लिश ही नहीं आती मुझे जयपुर Because there the people did not understand Hindi and I did not understand Tamil, so only language that I had was that. But Ashish now we start learning English, so that's why I changed from biscuit to biscuit now. Okay, so English literature, वैसे डरा दिया. चलिए. So if your student comes and asks you, ma'am, can you suggest me the book which will get me the best marks? What would your answer be? What would your answer be? One book that will make me already a doctor. I'm just asking you. Don't get it. I'm just asking. Give me name of one book. Apply yourself. So the question is. Let me keep it simple here. Let me. Okay. I do not know. Okay. Here. To all the ladies out here. Okay. Here. Sir, question ka reply question nahi hota. That's not. Sir, mera question. Now the question to you here is. आप सभी से खाना बनाते हैं ठीक है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता आई एम आस्किंग यू एक बेस्ट मसाला बता दो जिससे कि मैं सबसे अच्छा शेफ बन जाऊं अच्छा जी चलिए छोड़िए सिंपल आपके लिए आपको मैं सचिन तेंदुलकर बल्ला पकड़ा दूं फिर कौन सा बल्ला जिसने उससे 200 रन बनाए अब आप उससे 200 बनाए एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू So please, I have written an n number of articles stating that there is nothing called best product. The best is you. If you would not understand, yes. you okay, sir? मैंने आपने मुझे Mercedes दे दी और गाड़ी चलानी नहीं आती. क्या होगा? गाड़ी बढ़ जाएगी. आपने मुझे MBS का मसाला दे दिया. Let's assume it is best. मैं सब्जी से बनाऊंगा आपको भावे नहीं. सचिन तेंदुलकर बट्टे वो बल्ले को मैं समझू कपड़े धोने का वो छोटा है उसे बस वैसे ही मारूंगा मुझे समझ में नहीं आता वो है क्या सो एक बार दिस इज व्हाट आई से एंड अगेन द वे वी कॉम्प्रिहेंड प्लीज अंडरस्टैंड द मोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड